और अब बात मौसम की करते हैं। आधा भारत इस वक्त सर्दी से कांप रहा है और मौसम विभाग की माने तो दिल्ली यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड अभी और बढ़ेगी। आज से अगले 3 दिन तक कई शहरों में पारा शून्य तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अंदेशा है कि आज राजधानी दिल्ली में पारा 3 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद शीतलहर और तेज हुई है। हालांकि दिन में धूप खिल सकती है लेकिन कई जगहों पर कोहरा भी असर लोगों की जिंदगी पर डालेगा। जम्मू कश्मीर में एवलांच का भी खतरा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों के लिए एवलांच की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में भी ऊंची जगहों पर बर्फ गिरी है। हालांकि कई इलाके अभी भी बर्फ का इंतजार कर रहे हैं। मौसम के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब बर्फबारी से राहत मिलेगी लेकिन अगले 3 दिनों तक ज्यादा ठंड हो सकती है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। बर्फबारी से पहाड़ जमने लगे हैं, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है तो वहीं मैदान कांप रहे हैं। उत्तर भारत के शहरों में होड़ लगी है कि कहां तापमान सबसे कम रहता है। इन हालातों में मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी तक उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कई शहरों का तापमान शून्य से नीचे जा सकता है। 20 जनवरी के बाद से ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 23 से 24 जनवरी को बारिश के आसार बन रहे हैं लेकिन फिलहाल पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से मैदानों में शीतलहर चल रही है। शीतलहर का असर इतना ज्यादा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में तापमान में और गिरावट आई है। इस शीतलहर से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। पहाड़ों पर 36 घंटे पहले जो बर्फबारी हुई अब वो थम सकती है। इन 8 तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी हुई है। हालांकि निचले इलाकों में अभी बर्फ नहीं पड़ी। पहाड़ी राज्यों में कई इलाके ऐसे हैं जहां हर साल बर्फ पड़ती थी लेकिन इस बार वो अभी तक इस सफेद चादर से अछूते हैं। जहां बर्फ पड़ी है वहां परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक हेलीपैड की हैं। इस चॉपर की मदद से सेना श्रीनगर के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रही है। एक गर्भवती महिला की हालत बिगड़ने पर उन्हें सेना के चॉपर की मदद से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे वक्त में जब बर्फबारी ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, सेना के जवान और अफसर दिन रात एक करके स्थानीय लोगों की मदद में जुटे हैं। एक दिन पहले भी कुपवाड़ा में एक प्रेग्नेंट महिला को सेना की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। आसपास भारी बर्फबारी हो रही थी लेकिन उसकी परवाह किए बिना सेना ने महिला को सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर वक्त पर इलाज मुहैया करवा दिया। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। शनिवार को बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में एवलांच की चपेट में एक पूरा गांव आ गया। अब वहां पर बर्फ हटाई जा रही है। गनीमत यह रही कि एवलांच की वजह से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं सोनमर्ग में उसी दिन एक के बाद एक 2 एवलांच ने खतरा बढ़ा दिया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एवलांच को लेकर अलर्ट पर है। बांदीपुरा, बारामूला, डोडा, गांदरबल, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन और रियासी जिलों के लिए खतरे की चेतावनी जारी की गई थी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सीधा असर मैदानों पर पड़ रहा है। एक तरफ शरीर को जमाने वाली ठंडी हवाएं हैं तो दूसरी तरफ कोहरा है। पिछले 24 घंटे में कोहरे की वजह से ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक प्रभावित हुई है। कुछ इलाकों में कोहरे की स्थिति ऐसे ही बनी रह सकती है। दिन में कोहरे का कहर है तो रातें काटनी भी मुश्किल हो रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें छत मयसर नहीं है। हालांकि दिल्ली समेत देश के दूसरे सूबों में सरकारी इंतजामों ने मुसीबत थोड़ी कम की है। दिल्ली में रैन बसेरों के अंदर मुफ्त में रहने का इंतजाम है। पर्याप्त कंबल के साथ साथ खाना भी मिल रहा है। दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल में
दूर दराज से इलाज करवाने आए लोगों के लिए तो एक कड़कड़ाती सर्दी में सुविधा किसी वरदान से कम नहीं है। ये सब व्यवस्था अच्छा है, टॉयलेट, बाथरूम, खाना, बेड, बिस्तर, कंबल सब अच्छा मिल रहा है। कहाँ से आए हो? नेपाल से। कंबल की व्यवस्थाएं हैं और बेड वगैरह हैं और खाना, चाय, और पेशेंटों के साथ जो भी हेल्प भी होता है तो हम लोग करते हैं और तमाम सारी सुविधाएं हैं, लैट्रिन, बाथरूम, पानी और सारी व्यवस्थाएं इनको मिलती है। मुफ्त सेवाएं है यहाँ पे, कोई पैसा नहीं लगता है यहाँ पे रहने के लिए और खाने पीना के भी सुविधा अच्छा है, जो भी सुविधा यहाँ पे मिल रहा है अच्छा मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे, मरीजों के रहने के लिए सुविधा है और मरीजों के साथ जो आ रहे गार्जियन उनको भी रहने के लिए सुविधा है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। हालांकि हर किसी को रात की नींद का सुख नहीं मिलता, कुछ लोगों की रोजी रोटी रात को रिक्शा चलाकर होती है, ऐसे लोगों के लिए अलाव ही सहारा है। ठंड इस समय बहुत तगड़ी पड़ रही है दिल्ली शहर में और जो अपने घरों में रहते हैं खैर उनका तो पता नहीं, लेकिन जो पटरी पे बेचारे गरीब रिक्शे वाले सोते हैं उनका बहुत बुरा हाल है। दो तीन दिन से ऐसी ठंड है कि दिन में हल्की फुल्की धूप निकलती है तो निकलती है, फिर घटा हो जाती है और ठंड रहती है बहुत। नींद नहीं आती, लोग बाग जो है ना आके बहुत बैठ जाते हैं, सुबह 4 बजे भी आन के बैठ जाते हैं, जब आँख खोली 5 बजे भी आन के बैठ जाते हैं। जहाँ जहाँ बंदों को देखा ना कि आ गए तो वहीं बंदा बैठ जाता। आग ही इस ठंडी रात में जिंदगी की आस लेकर आती है। कुल मिलाकर कम से कम अगले 24 घंटे सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने राहत का अनुमान जरूर जताया है लेकिन कुदरत का रंग कब बदल जाए कहना मुश्किल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।